बिजली का बिल, आलिया के स्कूल के फीस, गाड़ी के ईएमआई, कुछ पे नहीं किया पिछले 2 महीनों से। क्या प्रॉब्लम है? हाँ, इंटरनेट पे जाओ, 10 मिनट में सारे बिल्स भर दो। वो एक्चुअली इंटरनेट का बिल भी पे नहीं किया, कट गया। पर मिस, मैंने बैंक से पैसे विड्रॉ कर लिए, कल मैं सारे बिल्स पे कर दूंगा। आई प्रॉमिस, आई एम सॉरी, आई एम रियल। नहीं भरे तो मुर्गा बनना पड़ेगा इस बार। ठीक है, तो तुम बिल्स पे कर रहे हो, लंच रेडी हो चुका है, बच्चे खेल रहे हैं, मम्मी जी सुबह से बाहर है। छुट्टी। सुमित थोड़े पैर दबा दो ना यार। कहो तो हाथ भी दबा दूं। सुरेश रैना और रोहित शर्मा के बीच वो भारत को वापस इस खड़ा करती हुई। छुट्टी खत्म। माया, अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ हो। सुनो, तुम दोनों ना आज रात हमारे यहाँ आ जाओ कपल्स किटी के लिए। क्या है ना, वो मिसेस गंभीर है ना, उनके यहाँ होनी थी पार्टी, पता नहीं अचानक वो चंडीगढ़ चली गई, मेरे गले पड़ गई पार्टी। लेकिन मम्मी जी, आपकी किटी पार्टी में हम क्या करेंगे? अरे वो कलमो ही मिसेस पपनेजा, मेरे दुश्मन, वो भी आ रही है अपने सारे दोस्तों को लेके, और सारी की सारी मेरे खिलाफ वाली। बेटा तुझे मेरी कसम, आ जाना, वरना ना मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। अब आप कह रही है तो हम शायद। माया, माया जरा साइड में आओ ना। तुम पागल हो गई हो क्या? इन लोगों की किटी पार्टीज में, इन लोगों के बीच में इंडिया पाकिस्तान टाइप जंग छिड़ी रहती है, खामखा हम गोलीबारी में मारे जाएंगे ना। कैसे कह सकते हो? सॉरी नहीं, देखो ना मम्मी जी कितनी परेशान लग रही है। क्या कुसुर पुसुर हो रही है? नहीं मम्मी जी, वो हमें कितने बजे आना है? 8 बजे। वैसे माया, मैं क्या कह रही थी, कपड़े जरा अच्छे पहन के आ जरा। नहीं मतलब तुम्हारे लिए भी जरा चेंज रहेगा ना। जैसा क्यों लग रहा है मैंने बहुत बड़ी गलती की है? क्या हुआ, दोनों तैयार हो गए ना? हाँ, पापा जी आप ऐसे प्रेम चोपड़ा टाइप क्यों हंस रहे हैं? तू हमारा चौथा है। हाँ, ये मंजीत और निप्पी तो दोनों के दोनों आ रहे हैं, लेकिन खेरा है ना, इसने एंड टाइम पे बैक गियर मार दिया, इसलिए तू हमारा चौथा खिलाड़ी है। खेल क्या रहे हैं हम लोग? लूडो। तेरे को तो पता है, आई एम द चैंपियन ऑफ द लूडो ऑफ द कॉलोनी। लूडो? उम्र का तो लिहाज कीजिए, और अगर आपको लूडो खेलना ही है तो आलिया को ले जाइए। अबे मोनू, ये लूडो है ना, ये मुगलों का खेल है, और तेरा बाप ना इस खेल का बेताज बादशाह। ये मंजीत और रिप्पी मेरे को दोनों चैलेंज करने के लिए आ रहे हैं, देखना इन दोनों के कपड़े उतार दूंगा। पापा जी प्लीज ये घिनौने दृश्य मेरे दिमाग में मत डालिए, और वैसे भी मैं उन दोनों से दूर रहना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि बचपन से मंजीत अंकल और रिप्पी अंकल मेरा मजाक उड़ाते हैं, लल्लू लाल कहके। अबे अब थोड़ी ना है तू लल्लू लाल। पर तू चिंता मत कर, ये मंजीत और निप्पी को मैं लूडो में इतना मारूंगा कि पिछवाड़ा लाल। अरे पापा जी प्लीज। अच्छा सुन, आ जाइयो 8 बजे, तू चौथा है हमारा। अबे भुखलो, हटाओ समोसे पकोड़े, हटाओ। लो जी लो, रखो। अबे आ गया अपना चैंपियन। आज शाबाश, आजा लल्लू लाल। ओए लल्लू लाल, एक बात बता,
ये चूसे में आम जैसी शक्ल के साथ में तू टीवी रिपोर्टर बन कैसे गया? ओए निपी मजाक न कर, अरे इस धोपड़े में तो जादू है। ये जिसके साथ भी टीवी पर नजर आता है वो बंदा खूबसूरत लगने लगता है इसके मुकाबले में। तेरे सारे के सारे किस्से याद है मुझे अभी भी। हाँ पूरी रात बाकी है, नाला कसला एक एक करके सुनाऊंगा। उसी का तो मुझे भी डर है। चलो भाई कलंदरों, बहुत खिंचाई हो गई, अब है ना गेम शुरू करते हैं, इससे पहले कि हमारा लल्लू लाल रूल्स भूल जाए। डॉली ताश के पत्ते लेने गई थी, कहाँ रह गई? पता नहीं क्या कर रही है अंदर तब से। मेकअप कर रही होगी, बिना मेकअप के तो देख भी नहीं पाऊंगी। और नीली साड़ी वाले हैं ना मोटी, वो है कमिनी मिसेस पखनेजा, बच के रही हो। टेंशन मत लीजिए बाबूजी, इतनी भी बुरी नहीं हो सकती है। हेलो, हाय, हेलो मिसेस पखनेजा, काफी सुना है आपके बारे में। ये मोनू की वाइफ है माया, वही जो भाग गई थी। नहीं नहीं, वो तो सोनू की दुल्हन मंडप से भागी थी। हाँ भी ना। लगता है डॉली ने तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताया, तभी तो तुम अभी तक नहीं भागी। सॉरी मिसेस वालिया, इट वाज अ जोक, बस एक मजाक था। वैसे देखो तो बेचारी को भाग कर जाएगी भी कहां। आप लोग पत्ते बांटिए। मम्मी जी जरा भरता बना दे मिसेस पखनेजा का। मिर्ची मार के अबे क्या मुर्गी की तरह कुड़कुड़ कर रहा है, चल। और ये लगा सिक्सर यार फिर से। लल्लू लाल जैसे नालायक से हार गए, मंजीत अंकल कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं आपको। यार किस्मत है आज, बैंडर गेम बाकी है। बाकी है। और निप्पी अंकल तीन या पांच आ गए ना तो आपका भी राम नाम सत्य है। रैम कर बुड्ढे पे यार, रैम कर। ओ निपी तू भी गया। और ये लल्लू लाल ने लिए तीन रन और निप्पी अंकल की किल्ली उड़ा दी और आप आउट। ओ भांजिया ज्यादा खुश ना हो, तेरे सपोले ने आगे तुझे ही डसना है। अबे बचपन में ये कौवा देख के अपनी पतलून गीली कर लेता था, इसमें क्या दम कि मेरी गोटी मारे ये। मुंह बंद नहीं रख सकते थे आप? ये कौवे वाली कहानी काफी पर्सनल थी पापा जी। अबे ये लूडो है, और लूडो में ना बाप होता है ना बेटा। बहुत दिनों से ना तेरी धुराई नहीं किया, आ जा भी तो। ठीक है फिर आन दो। पिछली दिवाली याद है ना, कपड़े फटते फटते रह गए थे, आज वो कसर भी मैंने पूरी कर देनी है। अबे चैलेंज कर रहे तू अपने बाप को? हाँ ओपन फिर आजा, जाओ बस चलना। क्या हुआ मिसेस पखनेजा, आज मन नहीं लग रहा? लेट हो रहा है, जाना है मुझे। कहीं गेम छोड़ के भाग तो नहीं रही है आप? डोंट माइंड, मजाक कर रही थी मैं। मम्मी जी बेचारी भाग के जाएंगे भी कहाँ। ये गेम नहीं जीता तो मैंने भी अपनी माँ का दूध नहीं पिया। अबे पिछले 35 साल से तेरे माँ की हाथ की चाय पी रहा हूँ और आज तक जिंदा हूँ। खाने जो खाना। तू जानता है मेरा बाप कौन है? अबे मेरा बाप तो तेरे बाप का भी बाप है। मार ले जितनी फाइट मारनी है, मेरा कॉन्फिडेंस आज ना हिलना नहीं। अच्छा हाँ। बहुत बड़ा बाजीगर बन रहे है ना तू। हाँ। तो आजा फिर, ऐसा करते हैं ये हजार हजार की लगाते हैं, जो जीता ना पैसे उसके। हाँ। सुमित वालिया बच्चों के खेल नहीं खेलता। लगानी है तो बड़ी लगा वरना घर जा। अबे मोनू लूडो के चैंपियन से टक्कर मत ले, बाद में लग जाएगी ना तो पापा कहेगा। हाँ। अबे ये लूडो है, इसमें ना कोई बाप ना बेटा। मेरा डाला मेरे को ही मार रहा है। चल आजा ना मैदान में। अरे आजा मैं डाला क्या रगड़ रगड़ के गर्म कर रहा है।
अरे पता ही नहीं चला, चीजें यहीं पड़ी होती। You okay? हाँ, I'm fine. बीबी आज तो कमाल हो गया, मम्मी जी और मैंने पूरी शाम एक साथ बिताई, फिर भी एक दूसरे का खून नहीं किया। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो आज मैंने लूडो खेला पापा जी के साथ ना, तो वो लूडो खेलते खेलते जोश जोश में हमने पैसे लगा दिए। लूडो पे पैसे? तुम बाप बेटे ना बिल्कुल गजब हो। कौन जीता? मैं। शुक्र है। पहले पहले फिर थोड़ा हार गया। कितने? माया तुम्हारी नींद से ज्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है पैसे। कितने सुमित? लल्ला लल्ला लो सुमित। वो बिल भरने के लिए बैंक से जो पैसे निकाले थे ना, वो सारे। हम बाप बेटे भी बिल्कुल गजब है ना। ये तो अच्छा हुआ हारे तो कम से कम पापा जी से। पैसे तो वैसे ही मिल जाने हैं। कैसे? पापा जी जब स्वर सुधारेंगे तो पैसे तो हमारे। जी सुमित, उतना वेट नहीं कर सकते। जाओ जाके पैसे अब भी वापस लेके आओ। ये नहीं हो सकता। क्यों? पापा जी, I am sorry, मेरे पैसे वापस दे दीजिए। मैं बच्चा नहीं हूँ। नहीं नहीं, तुम तो बहुत सयाने हो, जो अपने पापा जी के सामने चौड़े होने के लिए अपने घर की बिजली कटवाने के लिए तैयार हो। ठीक है, मैं हूँ इमैच्योर। अगर मैंने जाके पापा जी से पैसे वापस मांगे तो फिर तो मुझे डायपर पहन लेना चाहिए, और नहीं पहनना मुझे डायपर। धक्का क्यों ले रही है? वापस करो, वापस करो। देख डॉली, मैंने तुझे पहले भी कह दिया है, मेरे को इसके पैसे वापस नहीं करने। जो जीता वही सिकंदर। देखो, तुमने पैसे वापस नहीं किए ना, तो तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। सच? प्रॉमिस? भगवान कसम। मोनू। मम्मी जी प्लीज, मैं पैसे वापस नहीं ले सकता। ऑफ कोर्स ले सकते हो। क्या कर रहे हो? देखो इनके घर की हालत देखो, बेचारे। अब बच्चों के मुंह से निवाला छिनोगे? डॉली, इसको लाइफ में कुछ सीखने दे। कितना समझाया था इसे, आई एम द चैंपियन ऑफ द लूडो, टक्कर ले मत मुझसे, आग से खेलेगा तो जल जाएगा। लेकिन नहीं, लगानी है तो बड़ी लगा, नहीं तो घर जा, लग गई ना। क्या चल क्या रहा है बेचारा? सुनो, तू यकीन नहीं करेगा, पता है तेरे पापा जी ने आज क्या किया? डॉली, ठुल्ले के आगे राज मत खोल। ऐसा राज? सुमित और पापा जी ने लूडो पे पैसे लगाए और सुमित हमारे मंथली बिल्स के सारे पैसे हार के आ गया। चुगलखोर। कल के न्यूज के हेडलाइन दिख रहे हैं मुझे, सब इंस्पेक्टर रजनीश वालिया का घर बना जुए का अड्डा। कानून के रखवाले ने किया कानून नीलाम। 24 घंटे तो तेरी खबरें आती है ना न्यूज में। देख भाई सोनू, ये ना बखेड़ा मत खड़ा कर, ये हमारे आपस का मामला है। ओ, तो दिल्ली पुलिस को जाके कह दूं कि दो स्मगलरों ने आपस में डील करी, बखेड़ा ना करे, ये उनके आपस का मामला है। दो खूनियों ने कत्लेआम मचा रखा, ये उनके आपस का मामला है। आज आप लोगों ने वालिया परिवार का नाम गू से लिख डाला है। माया, क्या करी? बस वो दाल। हाँ, बाजार से लाइए। हाँ, तुझे तो वक्त ही नहीं मिलता होगा ना अचार घर में बनाने के लिए। माया बैठ बैठ। क्या हुआ मम्मी जी? ये रख। हाँ, लेकिन पापा जी तो कह रहे थे कि वो पैसे वापस हैं। ये पापा जी की नहीं है, मेरे गुल्लक की।
आपका गुल्लक भी है? तुझे पता है? मेरे बाबूजी थे ना, बड़ी दुनिया देखी थी उन्होंने। मेरे शादी के दिन मेरे हाथ में 10,000 थमाए और कहा, जिस दिन तू इस मूर्ख को सह नहीं पाएगी ना, उस दिन तेरे काम आएंगे। मेरे पापा ने तो सिर्फ राजधानी का टिकट दिया था। 35 साल तिनका तिनका जोड़े मैंने, क्या पता किस दिन मेरी सहन शक्ति खत्म हो जाए। वैसे कितने दिन के जोड़ लिया आपने? यही कोई 24 लाख। क्या? कैसे? अरे ग्रेटर कैलाश में मुझे ऐसे ही रमी की रानी नहीं बुलाते। नहीं मम्मी जी, वो आपके पैसे लूंगी तो मुझे शर्म आएगी। शर्म तो तब आएगी ना जब पूरी कॉलोनी आलिया को लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ाई करते हुए देखेगी। थैंक यू मम्मी जी। हम दोनों का सीक्रेट रखने छुपा लेंगे। हे हे कैसा है तू? कुछ खाएगा? कैसे हैं आप लोग? सुपर्ब। अच्छा है। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस यूं ही। माया मम्मी के पैसे वापस दे दो। तुम्हें कैसे पता चला? इस तरह ऐसे दांत फाड़ के आप दोनों को हंसते हो कभी देखा है एक साथ? मम्मी जी पैसे वापस ले लीजिए। देख अगर तूने पैसे नहीं रखे ना तो मैं समझूंगी तू मुझे माँ नहीं समझता। मम्मी जी इस तरह आप अपना मेलो ड्रामा मत शुरू कीजिए। इस बार मैं आपके झांसे में बिल्कुल नहीं आने वाला। सही कहते हैं लोग, तू लल्लू लाली है। लल्लू लाल होगा मेरा बाप। वो लल्लू लाल नहीं है, गधा है गधा। बम 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 बरा बिरी बिरी बम बबर बम 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 बे। तो बात नहीं करेगी तुम उससे? डिसाइड कर लिया? पक्का? जसबीर फिर से चैंपियन। मोनू कुछ खाएगा? मम्मी जी देखिए आलिया के स्कूल बैग से क्या मिला। अरे लगता है आलिया को चंडीगढ़ स्टेट लॉटरी लग गई। कौन मम्मी जी? चंडीगढ़ तो स्टेट भी नहीं है। लॉली ये क्या कर रही है तू? जो आपको करना चाहिए था। मोनू के पैसे वापस कर रही हूँ मैं। पैसे? पर इतने पैसे तेरे पास आए कहाँ से? क्या करोगी जान के? अच्छा तो फिर से चम्मच चुराने शुरू कर दिए तूने पड़ोसियों के। देखो जी मिसेस पपनीजा की झूठी अफवाहों को मत फैलाइए। हाँ बहुत हो गया जुन का नंगा नाच, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। बहुत हो गया जुन का नंगा नाच, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। मम्मी जी आप अंदर जाइए। पर मेरे घर में मैं। मम्मी जी प्लीज। खुश तो बहुत होगी ना तुम मेरे दोनों बेटों के बीच दीवार खड़ी करके। क्या हो रहा है भाई? तफ्तीश बैठ जाइए दोनों अपनी अपनी जगह पे। आज तेरे पास ऊपर वाला फ्लोर है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, फैमिली है, माँ भी है। जानता मेरे पास क्या? करेले जैसी शक्ल। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट है मेरे पास मेरी ईमानदारी की। ये तो बचपन से ही नकारा था, पर आप तो एक सब इंस्पेक्टर के बाप हैं। कम से कम आपको तो मेरी हैसियत का ख्याल रखना चाहिए था। बेटा एक बार घर का किराया देना शुरू कर दे फिर तेरी हैसियत का भी जरूर ख्याल रखूंगा। अच्छा वैसे नहीं मानना आप दोनों ने, एक बार तिहाड़ की चक्की पीसेंगे ना तो अपने आप ईमानदारी का पसीना निकल आएगा। इंस्पेक्टर साहब बात को बढ़ाइए मत, ऐसा करते हैं कुछ ले दे के केस को रफा दफा कर देते हैं। दफा दफा तो आप पे लगनी है पापा जी, 294 तो पहले लग चुकी है, अब एक इंस्पेक्टर को रिश्वत देने के जुर्म में 116 भी लगेगी। अब बस भी करो, बहुत हो गया है यार, बात पता नहीं कहां से कहां पहुंच रही है। मैं पैसे हार गया तो हार गया,
इनके दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया और मैं जोश में होश खो बैठा। अब मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूं जो पापा जी के पास रोते रोते आऊंगा और कहूंगा पापा पापा कुछ करो। और मैं आलिया को क्या सिखाऊंगा कि कुछ भी गड़बड़ कर दो पापा सब कुछ ठीक कर देंगे। सही तो कह रहा है तू। सही? मैं सही हूं? ऐसा ही तो होना चाहिए। लाइफ में कुछ भी गड़बड़ कर दो पापा सब ठीक कर देंगे। पर पापा जी ले रख ले। नहीं पापा जी मैं अबे रख ले नहीं, नहीं, इससे नहीं, पहले नहीं, कि मेरा मन फिर से बदल जाए। तू है ना जितना भी बड़ा हो जाए लेकिन मेरे लिए तो लल्लू लाली रहेगा ना। पापा जी पर मैं ये अबे ये बाप से पैसे ले रहा है इस पे इतना फील करने की क्या बात है। थैंक यू। मैं भी ईगो में शायद कुछ ज्यादा ही कह गया। एक्चुअली इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए अपने पापा से हेल्प मांगना। अबे तुम मम्मी जी क्यों बनता जा रहा है? कुछ ही के आंसू है। देखा अब तू भी खुश ये भी खुश और मैं भी खुश। मेरे पैसे को हाथ लगाए तो हाथ तोड़ के रख दूंगी।